एंड वेलकम बैक टू बियॉन्ड आइस। दोस्तों, ये वही मेडिसिन हैं जिन्हें हम तबीयत बिगड़ने पे डॉक्टर की सलाह से पानी या दूध के साथ में लेते हैं। लेकिन क्या कभी आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि ये पानी और दूध के साथ में डिजॉल्व कैसे होती है? यदि नहीं तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो का एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत ही कमाल का निकल के आने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए क्योंकि हमारे आने वाले समय में इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ठंडे दूध या पानी की अपेक्षा यदि गर्म दूध या पानी के साथ में मेडिसिन को लिया जाए तो मेडिसिन जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी कैप्सूल्स को गर्म दूध या पानी के साथ में ना लीजिएगा क्योंकि उसका जो बाहरी खोल होता है वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो सकता है और जो उसके अंदर की मेडिसिन होती है वो आपके पेट में पहुंचने के पहले ही यहाँ वहाँ फैल सकती है जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके पास भी ऐसे ही कोई अमेजिंग आइडियाज़ हों जिन्हें आप स्लो मोशन या टाइम लैप्स में देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप ही में से किसी के आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।